बॉलीवुड के बादशाह किंग खान, किंग ऑफ रोमांस। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात शाहरुख खान की कर रहे हैं। लंबे अरसे के बाद किंग खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। शाहरुख के इस कमबैक को देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली है, तो वही किंग खान के फैंस खुशी से झूम उठे हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको किंग खान के इस कमबैक के बारे में बताते हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। लंबे समय से पठान के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। अब तक शाहरुख या उनके साथ के किसी भी एक्टर का लुक देखने को नहीं मिला था। हालांकि अब फिल्म बाजार में बहार आ गई है। आज यानी 25 जून को शाहरुख खान ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे किए हैं। इस खुशी के दिन किंग खान ने अपने पठान के लुक को रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि पठान में शाहरुख खान एक इंडियन एजेंट का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म से सामने आया उनका पहला लुक बेहद जबरदस्त है। बादशाह को ऐसे लुक में शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। जैसे ही शाहरुख ने सोशल मीडिया पर अपना मोशन पोस्टर शेयर किया है, उनके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बात करें पोस्टर की, तो इसमें आप उन्हें लंबे बूट्स और शर्ट पैंट पहने और बड़ी खतरनाक दिखने वाले गन हाथ में लिए खड़ा देख सकते हैं। साथ ही पोस्टर में उनके चेहरे और फोटो पर खून लगा हुआ भी देखा जा सकता है। अपने लुक को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, 30 साल हो गए और भी आगे आएंगे, क्योंकि आपकी मुस्कान और प्यार अंतहीन रही है। पठान के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं। 25 जनवरी 2023 को पठान आ रहा है। शाहरुख खान का ये लुक आते ही ट्विटर पर नाम ट्रेंड होने लगा है। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। एक यूजर ने लिखा, शाहरुख खान का पठान लुक क्लासी भी है और मासी भी। ये पठान हड्डियां ही नहीं रिकॉर्ड्स भी तोड़ेगा। ब्लॉकबस्टर लुक दूसरे ने लिखा, बवाल है ये। शाहरुख के फैन क्लब पे से एक यूजर ने लिखा, इस पोस्टर पर ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ है, जल्द मिलते हैं पठान से। शाहरुख खान के इस फिल्म को डायरेक्ट सिद्धार्थ आनंद ने किया है। बता दें कि पठान से पहले सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर को भी बनाया था। शाहरुख खान के इस मोस्ट अवेटेड पठान में दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम नजर आएंगे। ये फिल्म यशराज फिल्म के बैनर तले बनाई गई है। ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी।